तुम उससे डर क्यों रही हो? वो तुम्हारा वहम है, उसे मार दो। वो बेहद बेहद खतरनाक है। मैं नाजिया नहीं हूं। फिर नाजिया कहां है? मुझे नहीं पता, कहकर गई थी कि तू मेरी जगह घूंघट निकाल कर बैठ जा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। बता तेरा आका कौन है? वो वफादार है। मैं बताता हूं। क्योंकि मुझे उस घर को हर शय से आजाद करना है और अब तेरा खात्मा करना। मेरा खात्मा? हाँ। क्यों ना करूं? ये जिन्नात, ये बदरू, ये शयातीन किसी के घर को तबाह और बर्बाद करे नहीं, इंसानों को बचाना मेरा फर्ज है। ये लोग आदमजात को तकलीफ पहुंचाने या नहीं आए? तो फिर उस घर में रेशम नाम की एक जिन्नात रहती है, जिसने मेरे अब्बू जान का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया था। तो ये तुम्हारी पोती है, हमारे मरहूम साहिर की बेटी? या अल्लाह, ये मैं क्या करने जा रहा था? ये तो कमाल हो गया, मेरा काम तो और भी आसान हो गया। बाबा, सनोबर ने कभी किसी आदमजात को नुकसान नहीं पहुंचाया। हक बंदार। इतना आसान समझती है लड़की? आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सनोबर अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। जरूर होगी, मैं देख रहा हूं। सारी कहानी एकदम साफ हो गई है मेरी नजरों के सामने। तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी लड़की, लेकिन लेकिन क्या बाबा? इसके लिए तुझे बड़ी मशक्कत करनी होगी लड़की। रेशम और हारान के बीच गलत फहमी पैदा करनी होगी और काजी के दिल में अपने लिए बेपनाह हमदर्दी। बोल कर सकती है ये, चल सकती है अंगारों भरी राह पर। काजी, लेकिन काजी साहब तो मुझे काजी और रेशम दोनों मिलकर एक बड़ी ताकत बन गए हैं। उन्हें भी अलग करना होगा, वरना तू कभी कामयाब नहीं हो सकती लड़की। बताइए मुझे क्या करना होगा?
करूंगा तुम्हें, जैसा मैं कहूं वैसा तू कर दी जा। फिर देख। ये क्या है बाबा? अब काजी तुझे पहचान नहीं पाएगा। जा, कामयाबी तेरी राह देख रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब काजी और रेशम दोनों एक साथ हो तो उनके सामने मत आना। यानी काजी और रेशम दोनों एक जगह होंगे तो ये अमल तेरे जिस्म से धुएं की तरह उड़ जाएगा और तू पकड़ी जाएगी। इस बात का ख्याल हमेशा रखना। जा। कभी कभी शिकार खुद चलकर पिंजड़े में आ जाता है। हक्कल्ला। से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता हूं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जोया सो रही है। आपकी दवाई की दी हुई डोज खाते ही सो जाती है। कितने बदनसीब हैं हम। जोया की हंसने खेलने की उम्र में उसे बिस्तर पर अधमरा पड़े देखना हमारा मुकद्दर बन गया। जोया जब आराम से सोई होती है तो हमें बड़ा सुकून रहता है। डर लगता है अगर जोया नींद से उठ गई और इसे फिर से दौरे पड़ने लगे तो क्या होगा। अब तो अल्लाह से यही दुआ है, या तो इसे ठीक कर दे या फिर हमेशा के लिए उठा ले। कैसी बातें कर रही हैं? नाउम्मीदी कुफ्र है। मैंने जोया की केस हिस्ट्री को दोबारा पढ़ा और मेरा यकीन मानिए, मुझे उम्मीद की किरण नजर आई है। बस आप लोग एक बार और मुझे सिलसिलेवार जोया की केस हिस्ट्री के बारे में बताइए प्लीज। डॉक्टर साहब, हम सब कुछ कई बार आपको बता चुके हैं, फिर और क्या जानना चाहते हैं आप? आपके बयान से शायद मुझे कोई नई बात पता चले, बताइए। ठीक है।
बस जोया पर किसी शय का या हवा का असर हो गया, या फिर आपके मुताबिक मेंटल प्रॉब्लम। जोया के इफेक्टेड होने के बाद हमने बंबई का बिजनेस और घर छोड़ दिया, इस उम्मीद से कि शायद नई जगह और नए शहर में शायद वो ठीक हो जाए। मगर अफसोस, अब आप लोगों को ज्यादा अफसोस नहीं करना पड़ेगा। मैंने तय कर लिया है, अब मैं जोया को हिप्नोटाइज करके उसकी फिक्स इमेज का पता लगाऊंगा। यानी उसने अपने जहन में जो एक डर की तस्वीर बना ली है, मैं उससे उसको बाहर निकालूंगा इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तुम बाहर खड़ी हो, अंदर चलो। अब हाँ आओ। आना सुनो पर बैठ। नहीं हारा, ठीक है। आंटी, मैं आज यहाँ आपसे सिर्फ मिलने नहीं आई, बल्कि आपसे पूछने आई हूं कि मैंने ऐसी कौन सी खता कर दी है जो आप मुझसे प्यार नहीं करती। मामा, सनोबर कुछ पूछ रही है आपसे। बात तुम्हें प्यार करने की नहीं है सनोबर, बात मेरे हारान के मुस्तकबिल की है, जिसे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। मामा, नहीं हारान, आंटी ठीक कह रही है। हर माँ को अपने बच्चे की फिक्र तो होती है, काश काश मेरी भी माँ होती। बातें खूब बनाना आता है तुम्हें सनोबर। बातें नहीं बना रही, मेरा मतलब है कि ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि मेरे दिल की कैफियत है, जो कि एक माँ की ममता की मोहताज है। यही वक्त है, अगर इस वक्त मैं हारान और सनोबर को काजी साहब के पास ले गई तो सनोबर का सच सबके सामने आ जाएगा। तुम कुछ लोगी सनोबर? नहीं हारान, थैंक्स। तो आंटी, आपका बारी है हमारे यहाँ मेरे हाथ का खाना खाने। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो मैं तुम्हारे घर के कई सारे चक्कर लगा लेता। दावत की बात आते ही मुंह में पानी आ जाता है। वो सब बातें हम बाद में कर लेंगे, जरा तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहाँ मामा? काजी साहब के पास। सनोबर वैसे भी काजी साहब की दुआओं की हकदार है, है ना? ठीक है, क्यों सनोबर? बुजुर्गों की दवा लेने में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ हारान, लेकिन लेकिन क्या सनोबर? चलो ना हमारे साथ, और फिर क्या पता ऐसा मौका फिर कब मिले। लेकिन सनोबर, हारान, जाओ तुम दोनों, चलो। तुम क्यों जा रही हो? जाने दो इन दोनों को। नहीं अब्बू, मेरा इन दोनों के साथ जाना जरूरी है। मामा, आप क्यों जाना चाह रही हैं? अभी तो आप कह रही थी आपको थकान हो रही है, आप खामखा थक जाएंगी। जी आंटी, आपको आराम करना चाहिए। हाँ बेटी, तुम इन दोनों को जाने दो, तुम मत जाओ, तुम्हें थकान हो गई। लेकिन अम्मी, मेरी बात सुनिए। लेकिन कुछ नहीं मामा, आप आराम करिए, आप खामखा थक जाएंगे, हम दोनों जाते हैं। ओके चलो। जब मैं बार बार आप लोगों से कह रही थी कि मेरा उनके साथ जाना जरूरी था, तो क्यों रोका आप लोगों ने मुझे? क्या गलती की? कल से तुम्हारी तबीयत उदास थी, इसलिए रोका था। वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे कोई बात नहीं करनी।
काम हो गया, शुक्र है सनोबर बच गई। तो चले? हाँ चलो। आप लोग यहाँ? हाँ क्यों, वो बात यह है कि अल्लामा इकबाल की किताब खो गई थी तो वो मिल नहीं रही थी, इसलिए तुम्हारे कमरे में चले आए। अब छोड़ो ये किताब विताब, एक घंटे से उसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे इसे क्या हो गया? कुछ भूल गई होगी, आप किताब भूल गया। ये कौन लोग थे? चलो काजी साहब, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कौन है काजी साहब? अरे तुम मिलो तो सही, बहुत अच्छे इंसान है। काजी साहब थे सनोबर। लेकिन हरन, अभी जो कुछ भी हो रहा था वो क्या था? और ये गुंडा कहाँ से आया और तुम्हें मारना क्यों चाहता था? और फिर अपने आप कैसे गिर गया ये? वो तुम्हें बाद में समझाता हूँ सनोबर, तुम यहीं रुको, मैं वापस आता हूँ। तुम फिक्र बिल्कुल मत। खेल की शुरुआत तो अब हुई है हरन। कौन हो तुम और अंदर आने की जुरत कैसे की? खाजी साहब मैं हैरान हूं। रेशम के बेटे जी, और ये मेरा ये तुम्हारा हमजाद है जी। शुक्रिया काजी साहब। हमजाद तुम अब जाओ।
बहुत देर में आए हैरान। रेशम अक्सर तुम्हारा जिक्र करती रहती है। जी, आपकी दुआएं और सरपरस्ती चाहिए थी, इसलिए आया हूं। या रेशम के शक को मिटाने के लिए कि सनोबर जिन है या नहीं। आपको पता है? जी, मेरी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। हमें तो पहले से पता था कि तुम कौन हो। तो मुझ पे हमला आपने जानबूझ के करवाया था? जी, आपके आने का मकसद साफ करने के लिए। मेरा मकसद तो सनोबर की शनाख्त है, वो भी ममा के लिए। मेरा दिल कहता है कि वो एक इंसान है। वो अपनी शनाख्त न कर सके, वो दूसरों की शनाख्त क्या कर सकता है? जी, मैं समझा नहीं। वो इंसान है, और इंसान की खुसूसियत ये है, वो जिसे प्यार करता है उस पर निसार हो जाता है। वो लड़की इंसान है, तुम्हारे लिए और इंसानियत के लिए ये एक बहुत मुबारक फैसला है। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन याद रखना, कभी सत से मुंह न चुराना। जी, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं सनोबर से अपनी असलियत बता दूंगा। लेकिन खुदा कब मुझे इसकी हिम्मत देगा मैं नहीं जानता। जी, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें सच के रास्ते पर चलने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हैरान हैरान कहाँ चले गए थे तुम? और ये सब क्या हो रहा था? किसने तुम पे हमला किया था और क्यों किया था? एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए। अरे, मुझे सांस तो लेने दो। अब पूछो। अंदर क्या कर रहे थे तुम? खाजी साहब से दुआएं ले रहा था, उन्होंने तुम्हें भी दुआ दी है। और वो गुंडा कौन था? वो खाजी साहब के यहाँ काम करता है। वो अपने आप कैसे गिर गया था? कैसे बताऊं, वो मेरा हमजाद तुम्हें नजर नहीं आ रहा था। हैरान, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। चलो, घर चल के बातें करते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है सनोबर? चलो ना, जरा काजी साहब से मिलके आते हैं। जी, वो अभी कुछ देर पहले ही मिली थी उनसे, कुछ मसले सुलझाने हैं। चले मामा, अभी ये काजी साहब से हम मिलके आ रहे हैं। कोई बात नहीं हारान, एक बार और सही, एक बार मेरे सामने मिल ले। आंटी, आपका ये तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। छोड़िए मेरा हाथ। अच्छा बुरा अभी साफ हो जाएगा। चलो मेरे साथ अंदर। मामा, सनोबर नहीं जाएगी। तुम चुप रहो हारान, सनोबर जाएगी। हारान, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, अपना दिल हारा है, लेकिन अपनी खुददारी नहीं। देखा हर, देखा तुमने? जानती थी कि ये मेरे साथ काजी साहब के घर नहीं जाएगी। अरे कैसे जा सकती है, इसकी असलियत नहीं पता चल जाएगी। मुझे अफसोस हो रहा है मामा, आपकी इस हरकत पे। हारान, ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मामा। लेकिन हारान,
रहा है। भूल जाओ मुझे हरा। मैं नहीं जानती कि आंटी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। अरे वो नफरत नहीं करती हैं, वो डरती हैं कहीं कोई मुझे मार ना दे। कोई तुम्हें क्यों खत्म करेगा? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या किसी इंसान से तुम्हारी दुश्मनी है? इंसान से नहीं। इंसान से नहीं मतलब? बहुत दिनों से एक राज तुम्हें बताना चाह रहा था सुनोगर, लेकिन सिर्फ तुम्हें खो देने के डर से अब तक छुपाता आ रहा हूं। हारान पहले मत बुझाओ, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मामा और मैं इंसान नहीं है। मामा और मैं इंसान नहीं। इंसान नहीं, इंसान नहीं मतलब? मामा एक जिन है और मैं एक जिन और इंसान का बेटा। मामा एक जिन है और मैं एक जिन और इंसान का बेटा। यकीन नहीं होता तो वो देखो। हमजाद मेरा हमजाद है। हमजाद सनोबर डरने की लगता है अपना राज बताने में बहुत जल्दबाजी कर दी मैंने। कितनी खौफजदा होगी बेचारी सब कुछ अचानक जान के, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी मुझे देख के और मैं कैसे टैकल कर पाऊंगा उसे। खैर सच तो हमेशा अपनी कीमत वसूलता ही है और उसे अदा करना ही पड़ेगा। नगीना अभी तक सुर्ख है, कहीं मौका ना निकल जाए। हारान अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हें हारान को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसकी शरीक हयात बनने के लिए बख्शा है। बहुत जरूरी है तुम लोगों का एक हो जाना। हारान की जिंजात से शादी होते ही उसकी तमाम ताकतें और सलाहियतें इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं और उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार है। सनोबर आंखें खोलो। सनोबर
अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी असलियत तुम्हारे लिए सदमा बन जाएगी तो मैं अपनी असलियत तुम्हारे में कभी जाहिर नहीं होने देता। आपसे खोलो सनोबर। अब मैं क्या करूं डॉक्टर? या अल्लाह, सनोबर को कुछ नहीं होना चाहिए। काजी साहब और बाबा अब्दुल सत्तार, वो भी सनोबर के घर पर? आखिर माजरा क्या है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं तो घबरा ही गया था सनोबर। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा था। मैं ठीक हूँ, आप गाड़ी रोकिए, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैंने कहा गाड़ी रोकिए। क्या हुआ सनोबर? सनोबर, सनोबर, मैं जानता हूं कि तुम मुझे देख के डर रही हो। डरने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हरान तुम्हारे सामने एक इंसान की शक्ल लिए खड़ा है। प्लीज मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। मुझसे दूर रहकर बात करो। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सच है, और यह भी सच है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं सनोबर, और किसी भी हाल में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था सनोबर कि सच्चाई जान के तुम इतनी ज्यादा खौफजदा हो जाओगी, वरना यह सच्चाई मैं तुम पे कभी जाहिर नहीं होने देता। मैंने ये सब तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत की बुनियाद झूठ पे नहीं कायम करना चाहता था। तुम ही बताओ सनोबर, अगर मैं एक मुकम्मल इंसान नहीं और मेरी मामा एक जिन्नजात है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और क्या इस वजह से मैं तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा साथ पाने के हक से महरूम रह जाऊंगा क्योंकि मेरी रगों में एक जिन्नजात का खून दौड़ रहा है? सच्चाई तुम जान चुकी हो सनोबर, मर्जी तुम्हारी है। अगर मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सनोबर, वादा करो मुझसे, वादा करो तुम कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगी, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। आई लव यू टू हरान। नगीने का राज जानकर अब मैं तुम्हें छोड़कर जा भी कैसे सकती हूँ? अब तो मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहने की कोशिश करनी होगी। न जाने कब हमजाद और तुम एक हो। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं एक्साइटमेंट में बेहोश ना हो जाऊं।
सॉरी मैडम, तन्ना आपसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? आपने उन्हें बताया कि मैं इतनी दूर से खास उनसे मिलने आई? सब बताया उन्हें, लेकिन वो कहती है कि किसी से नहीं मिलना उन्हें। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज सिर्फ एक बार। अरे बाबा, जब वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती तो कैसे मिलेंगी? अब आप जाओ, अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत करो। आज हमारे सामने पेश होने जा रहा था वो हमारे लिए सही अलामत नहीं। अगर आज हम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो गजब हो जाता। रमजा की शक्ल सनोवर के घर पे, हमने तुम्हें उसके पास क्यों भेजा था? ताकि मैं उसके और हरान के मुतालिक आपको सारी इतला पहुंचाता रहूं। बस सिर्फ इसलिए? और एक काम था मेरा, सनोवर के दिल में हारान के लिए मोहब्बत की लौ जलाना। और इस काम में तुम नाकामयाब साबित होगे। मैं मानता हूँ, मगर आका, सनोवर के ऊपर अपने वालिद के कत्ल की इंतकाम की धुन इस कदर सवार है कि ये काम नामुमकिन। खामोश! शैतानों के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं होता। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही हमारी खूबी है। अपने काम को जिम्मेदारी से निभाना सीखो, वरना चिल्माक के कहर के जद से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जी आका। अब तुम जा सकते हो। जो हुक्म मेरे आका। अब कोई खतरा मोल नहीं, खुद जाती तौर पर इस मसले से मेरे मकसद की कामयाबी के लिए हारान और सनोबर का एक होना निहायत जरूरी है। यह मैं करवा कर रहूंगा। न जाने कहां है अब्बी, किस हाल में है वो, कैसे पता चलेगा उनका? बेटा सुहेल, आप कुछ करते क्यों नहीं? नीलू का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। पता नहीं नाजिया कहाँ होगी, क्या हाल होगा मेरे बच्चे का। मम्मी, जो कुछ भी मेरे बस में था मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन नाजिया का कुछ पता नहीं चला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। हमने जाती तौर से जितनी कोशिश करनी थी कर ली, पर कोई नतीजा नहीं निकला और मेरे ख्याल से निकलेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट का कोई बड़ा अफसर नाजिया को ढूंढने में इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सुहेल बेटा, आपका एसीपी दोस्त आजकल यही पोस्टेड है ना, तो आप उनकी मदद क्यों नहीं लेते? वो ये काम ड्यूटी समझकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर करेगा। जी अम्मी, मैं भी उसे फोन करता हूं। हेलो। हेलो इंद्रजीत। हाँ इंद्रजीत बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सुहेल आजमी बोल रहा हूँ। सुहेल? अरे सुहेल, अरे कैसे हो यार इतने? मैं ठीक नहीं हूँ दोस्त, घर में मातम सा माहौल है। दरअसल मेरी बड़ी बेटी नाजिया घर से लापता हो गई है। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। कौन से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है? सांटाकुस पुलिस स्टेशन में। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सुहेल, मैं अभी वहां जाकर रिपोर्ट्स की सारी डिटेल्स लेता हूं। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी बेटी जल्दी तुम्हें वापस मिल जाएगी। और हां,
डिटेल्स लेने के बाद मैं तुमसे इस सिलसिले में दोबारा बात करना चाहूंगा, और घर पर सभी से कह देना कि फिक्र बिल्कुल ना करें। थैंक्स इंद्रजीत। कैसी बात कर रहे हो सुहेल? अरे तुम्हारी बेटी क्या मेरी बेटी नहीं है? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू इंद्रजीत, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल सत्तार, बहुत शौक है ना तुझे आग से खेलने का? आज यही आग तेरी मौत बनेगी। वैसे नाजिया को लास्ट टाइम नासिक में देखा गया है, वहां की पुलिस भी एक्टिव है। मैं नाजिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, नाजिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। मेरा नाम नाजिया नहीं है। तन्ना से मिलना चाहती हो ना? अब तेरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है काजी, मेरी कहर से अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बरसों से ढूंढ रही हूं तुझे, और आज सूद समेत तेरे गुनाहों की सजा दूंगी मैं तुझे। कहीं ये इंस्पेक्टर मेरी तफ्तीश तो नहीं कर रहा?